हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में भी बच्चों पढ़ चुके हो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसको विस्तार में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। लेकिन लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इक्वेशन सॉल्विंग, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ों को ध्यान रखनी है बच्चों, जिसमें से मैंने फोकस किया था आपको इमेजिनरी नंबर वाले पर भी। ठीक है बच्चों, उस टर्म को भी आपको ध्यान रखनी है। और पिछले क्लास में मैंने इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस किया था, अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो किसी नेगेटिव नंबर की तो उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। एक्चुअल नोटेशन उसकी मैंने बताया था, रूट ओवर माइनस वन की वैल्यू आई होगी। दुनिया वालों ने प्यार से आई को क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर जो मेरी टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, तो देखो अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात करूं तो बच्चे मेरे पास जो है यहाँ पर आप देख लो, एक इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट पर, डी पर ही डिपेंड करता है। सारा खेल हम लोग डी की ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहली कंडीशन मेरा है बच्चों, ए बी सी बिलोंग्स टू आर रैशनल नंबर। ए बी सी की वैल्यू मैंने क्या दिखा दिया, बिलोंग्स टू आर दिखा दिया, रैशनल नंबर। लेकिन बच्चों आप सभी लोग डी इक्वल टू जानते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड किस पर करेगा बच्चों, डी पर ही करेगा मेरे भाई। ठीक है, अब डी पर कंडीशन क्या हो सकता है, तो देखो बच्चों डी पर जो कंडीशन होगी तो यहाँ पर मैं आपको तीन कंडीशन दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। सबसे पहली बातें मैं आपको दिखाऊंगा डी की वैल्यू ग्रे पॉजिटिव हो सकती है, दूसरी चीज़ें डी की वैल्यू जीरो हो सकती है, और तीसरी चीज़ें डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तीन तरह के ही होंगे, एक तो पॉजिटिव होंगे, दूसरी निगेटिव, और तीसरी जीरो के इक्वल होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस कंडीशन में जो है रूट्स जो होगा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट। मतलब बच्चे रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट को आप डिफरेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन में बच्चों रियल और इक्वल। सेकंड कंडीशन, जब डी की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो होगी रियल और इक्वल हो जाएगी बच्चों, और इस कंडीशन में रूट्स आपकी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए ही दोनों रूट्स होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना बच्चों। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है बच्चे डी लेस देन जीरो, तो आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हो इसमें इमेजिनरी रूट्स, इसमें क्या होगा रूट्स इमेजिनरी होगा। तो बच्चे यही तीन कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, और ये चीज़ें आप लोग क्लास 10th में स्टडी कर चुके हो, और इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चे मैं फिर से इस बातें को बोल दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंडीशन है ए बी सी रियल नंबर होनी चाहिए,
ये जो डब्बे में आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, और क्वाड्रेटिक की सारा डाटा इसी पर डिपेंड है। पहली है डी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, दूसरी है इक्वल टू जीरो, और तीसरी है डी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में बच्चे रूट्स इमेजनरी होता है, और इमेजनरी रूट्स को अभी तक आप लोग कैलकुलेट नहीं किए होंगे। हाँ, अब सेकेंड लेक्चर में आप लोग कैलकुलेट किए हो, मेरे कहने का मतलब आई मीन क्लास टेंथ में, ठीक है बच्चों। लेकिन इक्वल टू जीरो आप कैलकुलेट किए हो, ग्रेटर देन जीरो कैलकुलेट किए हो। ग्रेटर देन जीरो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, इसमें इक्वल होगा रियल और इक्वल, इसमें इमेजनरी। ये बातें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। अब मैं बच्चों इसी की दूसरी अप्रोच आपको दिखाता हूँ, और आप डायग्राम बच्चों ऐसे ही ध्यान रखोगे कि सर ने ऐसे बोले थे कि डी से मेरा ये लिंक आएगा, ये लिंक आएगा और ये लिंक आएगा, तीन ही चीज बनेगा जब एक्स ए बी सी रियल नंबर होगी। बच्चों इसी की मैं दूसरी अप्रोच दिखाता हूं आपको, फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। अभी मैंने बात किया था ए बी सी रियल नंबर होगी, और मैं अभी बात करता हूँ ए बी सी जो है बच्चों ये बिलोंग्स टू क्यू। क्यू आप जानते ही हो रैशनल नंबर होता है, ठीक है बच्चों। क्यू से किसको लिखते हैं, रैशनल नंबर को लिखते हैं। तो अगर बच्चों ये चीज़ें हैं और डी आप सभी लोग जानते हो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये चीज़ें होता है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट इसकी कंडीशन है ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, फिर डी की वैल्यू मैंने लिख लिया है बच्चे, डी जो आप पढ़े हो डिस्क्रिमिनेंट ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बच्चे यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये चीज़ें जो है, यहाँ पर देखो डी जो है इसको मैंने दो अप्रोच किया है यहाँ पर, ठीक है बच्चे। एक अप्रोच और दूसरी अप्रोच, एक अप्रोच में मैंने डी इक्वल टू जीरो कहा और दूसरी में कहा डी इक्वल नॉट जीरो। बच्चे या तो डी की वैल्यू जीरो होगी या जीरो नहीं होगी, यही ना इसमें भी है, या तो डी की वैल्यू जीरो हुई या जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ तो पॉजिटिव निगेटिव इसमें हुआ, डन। इस चीज़ को आपको समझनी है, डी की वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। अब उसी चीज़ को मैं यहाँ पर क्लासिफाई करके लिखता हूँ बच्चे, डी इक्वल टू जब जीरो होगा तो आप अभी 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 जस्ट यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हो, वही चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इसमें जो होगा बच्चे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या बनेगा रूट्स रियल और इक्वल बनेगा। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जो है इक्वेशन जो ये कन्वर्ट होके आएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए की होल स्क्वायर, ये इक्वल टू जीरो बनेगा। और तो रूट्स यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए रियल भी है और रूट्स क्या हो गया इक्वल हो गया बच्चे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। जनरली d को वैल्यू जीरो, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसकी सॉल्यूशन चाहिए मेरे भाई। आप d इक्वल टू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर माइनस फोर जीरो आ गया। लेकिन आप ये देखो ये x माइनस वन की होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ से x इक्वल टू वन कितने बार मिलेगा, दो बार मिलेगा। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ध्यान रखनी है, d इक्वल टू जीरो वही चीज़ें, d इक्वल टू जीरो रूट्स क्या बनेगा रियल और इक्वल बनेगा, एक्सप्रेशन सोल्व करने पर ये होल स्क्वायर में बनेगा।
आपकी वैल्यू यही चीज़ें मिलेगी। एग्जाम्पल आपका d इक्वल टू जीरो आ गया है, होल स्क्वायर है ये, ठीक है बच्चों। देखो d इक्वल नॉट जीरो, तो अब जो है यहाँ पर दो चीज़ें खुलेगी। d इक्वल नॉट जीरो में बच्चे मैं दो चीज़ें यहाँ पर ओपन करूँगा। देखो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। देखो d इक्वल नॉट जीरो, यहाँ पर मैंने जैसे बोला बच्चे दो चीज़ मैं खोलूँगा यहाँ पर, एक इधर मैं खोल देता हूँ और दूसरी बच्चे इधर खोल देता हूँ, ठीक है। d इक्वल नॉट जीरो में एक कंडीशन मैं लिखता हूँ d लेस देन जीरो और दूसरी कंडीशन लिखता हूँ d ग्रेटर देन जीरो। यही तो होनी ही थी, d लेस देन जीरो और d ग्रेटर देन जीरो। बच्चों d लेस देन जीरो की जब भी बातें होगी, बच्चों d लेस देन जीरो की जब भी बातें होगी तो यही चीज़ें आएगी इधर। इसमें जो आपको मिलेगा रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स क्या मिलेगा इमेजनरी बच्चों, ठीक है। लेकिन इसी में मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर में ही आएगा। एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर, पेयर में होगा, इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर में ही होगा लेकिन एक दूसरे का बच्चे क्या होगा कंजुगेट होगा। अगर मैं एक रूट की बातें यहां पर कर लूं, p प्लस आई क्यू रूट है तो दूसरी रूट मस्ट बी, हटा दो इसको, एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरी रूट मस्ट बी p माइनस आई क्यू ही होगा बच्चों। यही चीज कहना चाह रहा है इमेजनरी रूट्स, और इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में जो डिस्कस किया कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स की, इसीलिए किया। अगर किसी इक्वेशन की एक रूट इमेजनरी आपको दी हुई है तो दूसरी ऑटोमेटिकली बिना देखे सोचे समझ लेने ही है, उसमें आई क्यू माइनस आई कर दूं। बच्चे अब जो आपकी डी ग्रेटर देन जीरो है, इसमें इसकी दो कैटेगरी मैं करता हूं। अब डी ग्रेटर देन जो जीरो है इसकी भी दो औलाद यहां से पैदा लेगा, जिसमें से दो आप इधर देख लो, एक बनेगा परफेक्ट स्क्वायर डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर और ये डी इक्वल नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बच्चे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसकी मतलब समझना है। देखो चार परफेक्ट स्क्वायर है, दो की स्क्वायर है, वन परफेक्ट स्क्वायर है, नाइन परफेक्ट स्क्वायर है, थ्री की स्क्वायर है। जब डी बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इस कंडीशन में रूट्स आर रैशनल, याद रखनी है बच्चे। जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसकी रूट्स क्या होगी रैशनल होगी, लेकिन जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो इसमें जो रूट्स बनेगा ये इरेशनल बनेगा। बच्चे क्या बनेगा, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होगी तो रूट्स रैशनल बनेगा और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो रूट्स इरेशनल बनेगा। एक बातें यहां पर भी लिख लो आप, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। बच्चे इरेशनल रूट्स भी
पेयर में आएगा और एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट होगा। मतलब मैं आपको बोल दूं एक रूट पी प्लस रूट ओवर क्यू है तो देयर मस्ट बी अदर रूट पी माइनस रूट ओवर क्यू। तो बच्चे इतनी सारी जो बातें हैं हम लोगों का क्या है, हम लोगों का नेचर ऑफ रूट्स से बातें हैं। कंजुगेट को हाइलाइटेड आप कर लो। तो देखो आप ये इतनी जो बातें मैंने पहली जो डिस्कस किया आपके साथ, आप क्लास टेंथ में इतनी सारी बातें पढ़े हो लेकिन ट्वेल्थ एलेवेंथ और जेई के लिए डिटेल्स जो हम लोगों को देखनी है, मेरी इतनी बातें हो गई। आप देख रहे हो बेहतरीन तरीके से ये चीज़ आपको आनी चाहिए और एनी हाउ ध्यान रखोगे, डायग्राम आप ध्यान रखोगे, कौन सी कंडीशन में क्या है ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। आपका क्वेश्चन ओपन गारंटी मैं दूंगा, नेचर ऑफ रूट से किसी क्वेश्चन की औकात नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लो, मैं इस पर अब क्वेश्चन करूंगा, कुछ पॉइंट्स और दिखाऊंगा। ओके बच्चे, इतनी सारी पॉइंट्स देखने के बाद जो आप नेचर ऑफ रूट्स से देख चुके हो, इस पर कुछ पॉइंट्स और हम निकालते हैं और इस चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना। नोट करके लिख देते हैं उस चीज़ों को मैं। देखो पहली बातें मेरी ये होगी, अगर रूट्स रैशनल है, ठीक है बच्चे, नंबर वन, इफ रूट्स आर रैशनल, इसका मतलब ये है बच्चों कि डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। रूट्स रैशनल है तो डी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर दूसरी बातें मैं करूं आपसे, इफ रूट्स आर इरेशनल, यहां से क्या आएगा बच्चों, डी इक्वल नॉट परफेक्ट स्क्वायर। डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली चीजें, तीसरी पॉइंट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो बच्चे आपको जो यूज करनी है डी इक्वल टू जीरो, इस चीज़ की यूज करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया रूट्स आर रियल, तो बच्चों आपको जो यूज करनी है, आपको डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक साथ लेकर यूज करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया बच्चों रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो बच्चों आपकी दिल से जवाब आएगा डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। अगली लिख दूं मैं, रूट्स आर इमेजनरी, तो आप ये बोलोगे डी लेस देन जीरो और यहाँ पर बोल दोगे ऑलवेज अकर्स इन पेयर एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर, हमेशा पेयर में होगा और एक दूसरे की क्या होगी बच्चों, कंजुगेट होगी।
बच्चों सात नंबर में अगर बच्चों a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए देन वन रूट इज वन एंड अदर इज c बाय a। देखो बच्चों इस पॉइंट पर को मैं हाईलाइटेड करना चाहूँगा। देखो हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो पर ही बातें कर रहे हैं। आपकी क्वाड्रेटिक ये है। देखो बच्चों इसमें ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मैंने जीरो किया, इसकी मतलब क्या है? आपने x की जगह पर क्या पुट कर लिया? x की जगह पर वन पुट किए हो यार, तो ये a b c बनेगा। तो एक रूट तो वन हो गया और इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा आप c बाई ए पढ़ते हो, एक रूट वन है तो इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, तो बीटा इक्वल टू क्या बनेगा? सी बाय ए बनेगा। इसीलिए यहाँ पर ये हाईलाइटेड किया गया बच्चों, एक रूट वन है और दूसरी रूट जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? सी बाय ए। इस पर मैं अगली पॉइंट भी लिखूँगा। अगर बच्चों ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन वन रूट ए, देखो माइनस वन कब बनेगा यहाँ? जब x के जगह माइनस वन लोगे, इज माइनस वन एंड अदर इज माइनस सी बाई ए। तो ये माइनस वन ये, तो माइनस इधर चला जाएगा माइनस सी बाय ए। तो बच्चों अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आपकी क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड तरीके से सॉल्व होगा। नाइन नंबर मैं पॉइंट लिखना चाहूँगा, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। फोर ए तो एक्स के जगह पर टू लिए, ये टू बी बना ये सी, देन वन रूट इज टू एंड अदर इज, अदर क्या बन जाएगा बच्चे? सी बाय टू ए, सी बाय टू ए। तो ये हाईलाइटेड टर्म है, इसको देख करके हम लोग रूट्स बता देंगे बच्चों, ठीक है। टेन नंबर की मैं बात करूं, इफ कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक आर साइक्लिक, अगर इसकी कोफिशियंट साइक्लिक है देन वन रूट इज वन एंड अदर कैपिटल सी बाय कैपिटल ए। सी बाय ए ही आप समझो, बट इस चीज़ों को हाईलाइटेड करना है, साइक्लिक। और एक रूट वन होगी, दूसरी क्या होगी? साइक्लिक आपको समझनी है बच्चों। देखो एक साइक्लिक ये हुई, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये है। तो अब देखो यहाँ पर आपकी ए यहाँ पर ये है, बी ये है और ये आपकी सी है। अगर आप a प्लस बी प्लस सी निकालते हो, a माइनस बी है ये, फिर b माइनस सी है, फिर बच्चे c माइनस ए है। देखो ये b कट गया, c कट गया, a कट गया, जीरो आ गया, तो एक रूट क्या हो गया बच्चे आपकी? वन जीरो होते ही और दूसरी सी बाय, सी बाय एक मतलब सी माइनस ए, ये जो होगी
सी माइनस ए बाय ए माइनस बी, ये रूट हो जाएगी आपके क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, एक दो पॉइंट मैं और इसमें लिखना चाहता हूँ, उस चीज़ों को आप इधर देख लो। और मेरा पॉइंट नंबर जो बनेगा ये 11 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ अल्फा बीटा किसी इक्वेशन की रूट्स है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। देख लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन आप इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ये आप इजी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो, हमको नहीं लगता है कि इसमें प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ठीक है बच्चे, अगर इसी में बात करूं मैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू, बट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसकी जीरोज अल्फा है और बीटा है, पॉलिनोमियल हो गया ना बच्चे ये, तो आपकी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी ये ए इंटू एक्स माइनस, चलो ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी चीज़ें को ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी बच्चे लिख सकते हो। और हम लोगों की क्वेश्चन जो शुरुआत होगी अब इसी टर्म पर शुरुआत होगी, और इसी से मैं क्वेश्चन पहले स्टार्ट करूँगा। पॉइंट नंबर 11 था, पॉइंट नंबर 12 आप लिख देना, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की डिग्री जितनी होगी, 10 होगी तो रूट्स 10 निकलेगी, 3 होगी तो 3 निकलेगी, 2 होगी तो 2 निकलेगी। ए रूट्स आर ऑल्सो नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स जो होती है बच्चों ये पॉलिनोमियल की जीरोज भी होती है। ओके बच्चों, बच्चे अब हम लोग ने इतनी सारी पॉइंट्स देखे, उस पर बेस्ड अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास पॉलिनोमियल से रिलेटेड पहली क्वेश्चन है, कह रहा है क्या इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स हैज टू रूट्स, एक रूट ये दूसरी रूट ये दिया हुआ है, एंड सेटिस्फाइड दी कंडीशन एफ वन इक्वल टू टू, फाइंड पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों, हम लोगों को क्या चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन चाहिए, तो क्या मैं पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ये लिख लूं, चलेगा बच्चों? यही तो हम लोगों को पॉलिनोमियल फंक्शन चाहिए। ठीक है बच्चों, हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इस चीज़ों को, देखो एक्चुअल में जो बातें हैं मेरी आपकी, ये हो गया ना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि मेरा अल्फा और बीटा दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ से ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस रूट ओवर 5, बीटा की वैल्यू और 1 प्लस रूट ओवर 5, और ये 1 माइनस रूट ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस रूट ओवर 5 इंटू 1 माइनस रूट ओवर 5।
ये हमारा दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। ये देखो कैंसिल हुई, ये a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 112, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। जैसे आप करोगे a स्क्वायर तो 1 होगी, b स्क्वायर करोगे माइनस 5, 1 माइनस 5 कितना होगा बच्चों माइनस 4। ये मेरा बच्चों एफ एक्स की वैल्यू है। एक नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या हम लोगों को ए की वैल्यू मिलेगी तभी तो आंसर क्लियर होगी बच्चों। ए की वैल्यू कैसे बच्चों, ये कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स के जगह 1, तो ये एफ 1 इक्वल टू ए 1 की स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 4। एफ 1 के जगह पर क्या रख दोगे, ये 2 इक्वल टू ए 1 माइनस 2 माइनस 4। 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 4 दू 6 माइनस 1 5 माइनस 5 ए, ए इक्वल टू माइनस 2 बाय बच्चों 5। आ जाओ एक नंबर में, फ्रॉम 1 पुट कर दो ए के जगह पर, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 हो गया बच्चों इस क्वेश्चन की आंसर। इतनी छोटी सी क्वेश्चन थी, कैलकुलेट करनी थी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है कि 1 रूट ऑफ इक्वेशन इतना एम एक्स स्क्वायर टेन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इज 2/3 ऑफ अदर, इसकी एक रूट अल्फा तो दूसरी 2/3 अल्फा होगा बच्चों। फाइंड एस ओ आर, बच्चे शोर पोर डोर, मैंने तीन चीज़ें आपको बताया था, एस ओ आर सम ऑफ रूट, पी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट, एंड डी ओ आर डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये चीज़ें। तो यहाँ से अगर एस ओ आर लिखते हो यानी अल्फा प्लस 2/3 अल्फा, तो माइनस बी बाय ए ये 10/m हो जाएगा। आपको m निकालना है, m कब निकलेगा, जब अल्फा मिलेगी, ठीक है बच्चों। सम ऑफ रूट निकालनी है कब, जब m निकलेगा, तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लो, अल्फा इंटू 2/3 अल्फा सी बाय ए, तो 3/m बनेगा। तो ये क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये कितना 3 इधर जाएगा 9/2m, ये हो गया बच्चों। हमको अल्फा मिलेगा या m, m चाहिए ना सम ऑफ रूट के लिए, m कैसे मिलेगा बच्चों यहाँ से। अब देखो क्या करो, ये जो अल्फा है ना 3/5 अल्फा बाय 3 इक्वल टू 10/m है, तो यहाँ से बच्चों देख लो, अगर आप अल्फा लिखना चाहो तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना 2, तो अल्फा इक्वल टू 6/m, ये चीज़ यूज कर लो, 6/m की स्क्वायर 9/2m, 36/m स्क्वायर 9/2m, ये 9 × 36 बच्चे, एक m कट गया, तो ये m इक्वल टू कितना आ गया 8। तो ये आपका एक नंबर है, फ्रॉम 1 एस ओ आर क्या है 10/m, 10/8, 5/4, आपका आंसर क्या बनेगा बच्चे 5/4 बन जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को देखे हो, ध्यान रखोगे, ध्यान रखनी है बच्चों आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आते हैं बच्चों, ओके बच्चों। मेरे पास अब जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपका इस तरह है, कह रहा है क्या 3 नंबर में, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ये मॉड एक्स स्क्वायर 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन की बच्चे नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे ये मुझे बतानी है। ठीक है बच्चों, क्या आप लोग कर सकते हो ये क्वेश्चन? बच्चों आपके बेसिक क्लास में जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया था, मॉडुलस के बारे में बताया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, कैसे करोगे देखो, सिंपल सी इसकी फैक्टर कर दो बच्चों। फैक्टर जैसे करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे ही रहने दो, 2 mod x minus mod x plus 2, इस दोनों में mod x कॉमन है तो mod x माइनस 2 माइनस 1, ये mod x माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों फिर देख लो, mod x माइनस 2 कॉमन है, कॉमन कर लो, mod x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से ये जो आ गया mod x माइनस 2 इक्वल टू 0 और mod x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से mod x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, mod x इक्वल टू 2, इसीलिए बच्चों x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2। तो यहाँ से देखो बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूट्स, तो दो रूट्स यहाँ से आया बच्चों, दो रूट्स यहाँ से आया, इसका मतलब इस क्वेश्चन की ऑप्शन क्या होगी बच्चों, ए नंबर ऑप्शन होगी जो कि 4। कितने रूट मिला हम लोगों को, 4 रूट मिला, इसीलिए नंबर ऑफ रूट्स कितनी हो गई, 4। ओके बच्चों, अगली क्वेश्चन बच्चों देखो, यहाँ पर बच्चों इक्वेशन आपका ये है, इक्वेशन है एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है बच्चे, और आपको बतानी है रूट्स, इस इक्वेशन की रूट्स कैसी होगी, 4 ऑप्शन। बच्चे ये जो क्वेश्चन है आपका आईआईटी जी भी पूछ चुका है और मेंस एग्जाम भी पूछ चुका है, जेई मेंस। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी छोटी छोटी क्वेश्चन आईआईटी जी कैसे पूछ सकता है यार। तो बच्चों पूछता है, सिर्फ मॉड की कॉन्सेप्ट की वजह से पूछा है और दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है बच्चे, अगर इस क्वेश्चन में चाहे तो यहाँ पर मॉड नहीं भी दे सकता है। तो आप प्रॉपर्टीज याद करोगे, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स की स्क्वायर लिख सकते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन पर बच्चों, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक बनाइए, इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, ये बन जाएगा बच्चे, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी प्लस, ये बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। आप एक्स स्क्वायर देख लो, एक बार यहीं पर है, एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है, और एडिशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो गया। माइनस बच्चे ये देखो आपका बी सी ए सी और ए बी सबको ऐड करोगे तो ये बच्चों दो बार आ जाएगा हर टर्म, ए प्लस बी प्लस सी एक्स, ये है बी सी, ये है ए सी और ये है ए बी। तो बच्चों ये क्या हुआ, बी सी ए सी ए बी इक्वल टू 0। बच्चों अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को बन गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस सी। देखो रूट्स के बारे में बतानी है और हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स सारा किस पर डिपेंड करता है, डी पर। तो आप डी निकालोगे, डी क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, बी के जगह पर ये टर्म, तो
तो ये 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू ये बी सी ए सी ए बी। बच्चे 4 देख लो आप कॉमन है, तो ये जो बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी ए सी माइनस 3 ए बी बी सी ए सी, ये चीज़ें। ये 4 इंटू ये बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो बार पॉजिटिव में है ये, और ये 3 बार नेगेटिव में है, तो एक बार आ जाएगा नेगेटिव ए बी बी सी ए सी। तो बच्चों अब क्या करते हैं, इसमें से 2 को अंदर भेज देते हैं, तो 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2 बी सी माइनस 2 ए सी, ऐसे कर दिए भेज के अंदर। तो अब बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर देख लो आप, ये तो 2 इसको ए स्क्वायर 2 ए बी बी स्क्वायर एक साथ कर लो, बी स्क्वायर 2 बी सी सी स्क्वायर एक साथ कर लो, सी स्क्वायर 2 ए सी प्लस ए स्क्वायर एक साथ कर लो। आप ये कह सकते हो सर यहाँ पर 2 ए स्क्वायर है, तो बच्चों ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर आ गया, 2 ए बी सी जो है सबका अपना। तो देखो मेरे भाई ये जो 2 ये a माइनस बी की स्क्वायर, b माइनस सी की स्क्वायर, c माइनस ए की स्क्वायर। अच्छा बच्चों ये तो पॉजिटिव है, स्क्वायर है पॉजिटिव 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 प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो हम लोग d कैलकुलेट कर रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। जिस दिन a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a हो जाएगा बच्चों, उस दिन क्या हम बोल सकते हैं कि ये टर्म 0 हो जाएगा। तो d ग्रेटर देन 0, अभी जो मैंने आपको टोटल 12 पॉइंट लिखाया उस पॉइंट में आपको मैंने लिखाया इफ़ रूट्स आर रियल देन d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स क्या होगा, रियल होगा, ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो बच्चों नेचर ऑफ रूट से ये बेसिक क्वेश्चन आप देखे हो, हम लोग एक्सेस क्वेश्चन करेंगे अगली लेक्चर में जो कि मेरा 4 नंबर लेक्चर होगी। आप लोग इतनी लेक्चर जो है आपकी 1 2 3 कंप्लीट करोगे और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके बच्चों थैंक यू।